हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये जो कैलामिटी हमारे स्टेट में आई है, सबसे पहले मैं आपके और आपके परिवार के सेफ होने की कामना करते हुए वीडियो शुरू करता हूं। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए है, जैसे जो LT का जो कोर्ट केस चल रहा है, दूसरा लेक्चरर का जो एग्जाम होना है, क्या वो होगा या नहीं, और साथ में जो लोअर PCS और अपर PCS के जो मेरे साथी हैं उनका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो आज मैं ये सभी जो आपके विषय हैं जिनके बारे में आप मुझसे क्वेरी लेते रहते हैं, तो मैं आज एक ही वीडियो में ये सारी चीजें बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो पुराने मेंबर हैं उन्हें तो पता है कि चैनल पर सभी एग्जाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड और कट ऑफ से रिलेटेड सभी ऑथेंटिक जानकारियां यहां पर दी जाती हैं। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पर। तो दोस्तों, हमारा यहां पर पहला टॉपिक है कि LT का जो मामला कोर्ट केस में गया हुआ है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था दोस्तों, और मैंने कहा था कि 21 अक्टूबर को इसकी डेट है, और जब इसकी डेट हो जाएगी उसके बाद मैं आप सभी के सामने आऊंगा और बताऊंगा इसमें क्या हुआ। तो दोस्तों, कल क्या हुआ था कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, उसके द्वारा भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या आगे को डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बाद भी शायद वो कम्युनिटी पोस्ट या तो नहीं देख पाए, तो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इसमें क्या हुआ है आप बताइए, इसलिए मुझे दोबारा यहां पर आना पड़ा, नहीं तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में तो ये सब बता दिया था। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि अभी इसमें सुनवाई नहीं हुई है, इसकी जो फाइनल डेट मिली है LT की वो 27 अक्टूबर मिली है। ठीक है दोस्तों, 27 अक्टूबर इसकी डेट मिली है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। तो देखते हैं उसके बाद इसमें क्या होता है, और आशा करेंगे कि बहुत जल्द और 27 अक्टूबर को ही जो इसका फाइनल डिसीजन रखा गया है माननीय हाईकोर्ट द्वारा, उस दिन ये सब फाइनल हो जाए और आप सभी का उसके बाद जल्दी से रिजल्ट आए, फिर हम रिजल्ट की बात करेंगे। एक बार पहले हम देख लेते हैं कि 27 अक्टूबर को क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी LT की बात। अब हम करते हैं दोस्तों लेक्चरर की बात। तो लेक्चरर का जो एग्जाम है 31 अक्टूबर को, तो आप लोग बहुत अभी भी परेशान हैं कि जो इसका जो कोर्ट में मामला गया हुआ है, क्या इस वजह से एग्जाम होगा या नहीं, दूसरा जो अभी ये कैलामिटी आ गई है तो इस वजह से क्या पता कहीं एग्जाम रद्द तो नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए आयोग में मेल भी किया था, तो मेल का जवाब भी आया, और साथ में फिर मैंने पर्सनली वहां पर जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बात करी कि ये एग्जाम क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो जो हमें जानकारी मिली है इसमें कि पहले जो बात उन्होंने कही थी वही बात अभी भी कही है कि एग्जाम 100% होगा, 100%। ठीक है दोस्तों, और यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग यहां पर परेशान हो जा रहे हैं, शायद वो लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने कोर्ट में ये मैथ्स वाले हैं या जिन्होंने कोर्ट में इसको रोकने के लिए कहा है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे हम यहां पर बता रहे हैं कि एग्जाम होगा तो हम ही एग्जाम करवा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि आप लोग परेशान ना हो आप भी, क्योंकि ये जो चैनल है ये कोई आयोग का चैनल नहीं है, यहां पर केवल आपको सूचना दी जाती है जो आयोग के द्वारा हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको केवल एक सूचना दी जा रही है, यहां पर ये नहीं है कि एग्जाम हम करवा रहे हैं 31 अक्टूबर को, या हमने बोल दिया कि एग्जाम होगा तो एग्जाम हम ही करवा रहे हैं और एग्जाम हमें करवाना है, यहां हमारा तो कोई संबंध नहीं है। ये तो केवल एक आपको इन्फॉर्मेशन देने की जगह है, तो आप ऐसे परेशान ना हो, जो वहां से हमें सूचना मिलेगी तो ये आपके भले के लिए हम यहां पर सूचना आपको दे रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो 31 अक्टूबर को एग्जाम होगा, आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी करें, कैसे वहां जाना है हरिद्वार, कैसे क्या करना है, और अपना पढ़ाई जो भी है आपकी फाइनल कर लीजिए। और दोस्तों, एक बार बताऊं, एग्जाम बढ़िया करके देना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें टेंशन हो रही है, तो देखो यार, टेंशन क्यों होनी है, एग्जाम अच्छे से दो, अपना बेस्ट दो। और शायद आप लोगों ने वो वीडियो देखा या नहीं देखा है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है एग्जाम देने पर। ठीक है दोस्तों, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप भी, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि एटीट्यूड क्या होना चाहिए थोड़ा सा एग्जाम देने का। अगर आपने पढ़ाई आपकी उतनी नहीं भी हुई है तो भी आपका एक एटीट्यूड जो होता है एग्जाम सेंटर के अंदर, एग्जाम रूम के अंदर, वो उसमें आपको पता चलेगा। और देखिए, बिल्कुल ये सोच के नहीं जाना है कि यार मैं इस बार पास हो जाऊं, कैसी पास हो जाऊं, बस आपको ये सोच के जाना है इस बार मेरे को एग्जाम टॉप मारना है, और ये सोच के आप जाओगे तो गारंटेड बात है कि आप एग्जाम क्लियर करोगे। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लोअर PCS और जो अपर PCS है उसकी डेट के बारे में। अभी दोस्तों, कुछ समय पहले एक डेट कहीं से निकल के आई थी कि 12 दिसंबर को जो लोअर PCS है उसका एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों, हमारी आयोग में इस विषय पर बात हुई, बहुत अच्छे से बात हुई, तो मैंने वहां पर पता किया कि क्या 12 दिसंबर को होगा या कब ये लोअर PCS और अपर PCS का एग्जाम हो सकता है। तो अभी मैं आपको बताऊं, अभी आयोग में भी ये क्लियर नहीं हो पाया है दोस्तों कि ये क्या दिसंबर में ही होगा। अभी इसके बहुत कम चांसेस हैं, चांसेस मैं कहूंगा 50-50 हैं कि दिसंबर, जो आयोग से हमें
सूचना मिली है उसके हिसाब से या तो लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस तो अभी मैं कहूंगा कि इस साल तो नहीं हो पाएगा, ये आप पक्का सोच लीजिए कि अपर पीसीएस का एग्जाम इस साल नहीं हो पाएगा और 2022 में ही वो हो पाएगा। और जो लोअर पीसीएस है उसका एग्जाम या तो दिसंबर में होगा तो वही 15 के बाद हो सकता है या फिर जनवरी में, दिसंबर या जनवरी में, इनमें एग्जाम कभी भी लोअर पीसीएस का कराया जा सकता है। अपर पीसीएस का इस साल नहीं होगा, उसकी आप तैयारी बिल्कुल करिए क्योंकि जो लोअर की कर रहे होंगे तो उनकी अपर की अपने आप हो जाएगी क्योंकि उसी लेवल की तैयारी करेंगे। और तो ये है कि इस साल एग्जाम अपर का नहीं हो पाएगा, लेकिन लोअर की आप ये सोचिए कि 15-20 दिसंबर सोच के चलिए, 15 दिसंबर के आसपास, उसके बाद जनवरी, तो दिसंबर या जनवरी के बीच में आपका एग्जाम हो सकता है लोअर पीसीएस का। ठीक है दोस्तों, जनवरी तक तो फाइनल है कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी ये मौसम ही बिल्कुल एग्जाम्स का चल रहा है और पढ़ाई का ही चल रहा है क्योंकि अभी चुनाव भी हैं तो इस वक्त एग्जाम अच्छे खासे होंगे, तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ज्यादा समय नहीं है, फिर उसके बाद आचार संहिता लग जाती है, फिर एग्जाम होने ही बंद हो जाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपको बस 3-4 या 2-3 महीने मिल रहे हैं तो इसमें आप जम के अभी पढ़ाई कर लो, जितना कर सकते हो सब कुछ छोड़ के बस अभी पढ़ लो। और लेकिन टेंशन मत लो, टेंशन क्या लेनी है यार, बस बढ़िया करके देना है और खुशी से देना है। और जिनने वो वीडियो नहीं देखी होगी, अभी लिंक उसका यहाँ पर आ जाएगा, आप वो वीडियो भी देखिएगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं और जो भी चैनल पर नए होंगे दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जो एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम कट ऑफ के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ओके नमस्कार।